नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। मनुष्य का दुख का कारण क्या है? डॉक्टर सत्यनारायण जी, दुख का कारण क्या होता है? मनुष्य खुद सृजन करता है। दुख का कारण है पाशविक प्रवृत्ति, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी उसके जीवन में घून की तरह उसके खाता रहता है। उसके हर सोच नकारात्मक होते हैं, हर सोच में नफरत होती है, नाराजगी होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होती है। वो जंगली जानवर की तरह हर को बर्बाद कर देना चाहता है, वो खून का प्यासा होता है, वो जमीन कब्जा करता है, दूसरे का धन कब्जा करता है, माँ बहनों की इज्जत लूटता है। तो इसीलिए वो दारिंदा दुष्ट तो वही बीज बो रहा है ना, कांटा का बीज बो रहा है, तो उसको कांटा ही मिलेगा। लेकिन आपकी तरह व्यक्ति, खोल के बोल रहा हूँ डंके की चोट पर, जो व्यक्ति हमेशा हजारों हजारों लोगों की मदद के लिए तैयार है, मन से, वचन से, कर्म से, अपने चिकित्सा के मास्टर होने से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, या दो चार अपने गरीब दोस्तों को कुछ दे के, तो उसको दुख कहाँ से है? वो आम का बीज बो रहा है। तो आपके हाथ में आपके दुख और सुख हैं। अरे भाई, सुबह सुबह भेजे ने तुम्हें एक भजन, तुम नहीं देखे बालक, ओ महान सम्राट आप नहीं देखे। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तोहे, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे। सुखी कलियां दुख के कांटे मन तेरे अधिकार, ये मन आधार है ना। इस मन में अगर आप नकारात्मक विचार डालोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि जब मस्तिष्क में जालोगे तो जो सोच होगा, जो विचार होगा, उसी से आप बोलोगे, उसी को आप करोगे, उसी से आपके जीवन की परिस्थितियां बनेगी, उसी से तुम्हारा भाग्य निर्माण होगा। दुर्भाग्यशाली बन जाएगा वो व्यक्ति नकारात्मक विचार वाले। रावण को देखो, सब कुछ था लेकिन विचार सीता के साथ बलात्कार करने का था, अपहरण करके ले गया उसको। 6 महीना कोशिश किया, अब क्या किया भगवान जाने भाई। राम को भी पता नहीं था, इसीलिए धोबिया के कहने पर वो फिर से सीता को जंगल में छोड़ दिए। दुर्योधन का देखो, नारी का अपमान किया उस दुष्ट ने, द्रौपदी को सभा में नंगा कर दिया भाई। इससे बड़ा दुराचार क्या हो सकता है? जो नारी हमारी माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, उसके साथ इस तरह से गद्दारी करोगे? आज के युग में भी ऐसे दुर्योधन हैं। आपने देखा होगा कल केसरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल गई, उसके चमड़े उधर दिए मार मार के गद्दारों ने। बताओ बताओ भाई, नारियों का अपमान सबसे बड़ा संहार होता है मनुष्य का। जो मनुष्य गिर गया ना, वो नारी का अपमान करेगा, अपनी माँ का अपमान करेगा, भारत माता का अपमान करेगा, इसके विरोध में कार्य करेगा। तो दुख के कारण उसके दुर्जन विचार होते भाई। इसीलिए आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ सत्यनारायण सर जी, आपके जिंदगी में दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप ऐसा काम ही नहीं करते। ऐसी करनी क्यों किए, किए करे पछताए, बोया पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपको केवल आनंद हो, खुशियां हो, शांति हो, तो उसका बीज बो। और शांति का बीज क्या है? सत्य न्याय प्रेम शांति हिंसा करुणा दया प्रवाह। मेरा बुद्ध गौतम सिद्धार्थ ने कहा, सच्चे सोच सच्ची वाणी सच्चा कर्म सच्चा आचार सच्चा व्यवहार सच्चा ध्यान लगाओ, अच्छे विचारों को धारण करो और वो तुम्हारा चरित्र का निर्माण करेगा और तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारे विचार से बन जाएंगी। तो दुख का कारण है दुर्जन व्यक्ति, दुख दुर्जन विचार लाता है। पतंजलि योग सूत्र में बोल दिया, अगर शांति चाहते हो तो अहिंसा सत्यास्था ब्रह्मचर्या परिग्रह। अगर अशांति चाहते हो इसके रिवर्स में जाओ, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, बलात्कार करो, दूसरे का हड़प लो और दुर्योधन की तरह सबको डराओ, संहार हो जाएगा। दुर्योधन से बड़ा कौन हो सकता है भाई? रावण से बड़ा कौन हो सकता है? हिटलर से बड़ा कौन हो सकता है? ऐसे अनेक अत्याचारी दुराचारी हैं जो सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानता का घनघोर अंधकार दुख का कारण है। धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण गर्ग। थैंक यू।